हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बैंगन फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिजवान सॉस, 6 लहसुन की कलियां जिसे मैंने पीस लिया था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे भी मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमें इस तरह का पेस्ट बना लेना है। ये मैंने कोट करने के लिए सूजी ली है। इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बैंगन लिए हैं और इसके छिलके निकालकर इस तरह के पीसेस में काट लिया है। अभी पहले हम इस पेस्ट में बैंगन कोट कर लेंगे और फिर सूजी में अच्छे से कोट करेंगे और इस तरह से हम सारे बैंगन तैयार कर लेंगे। अभी इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हम कोट किए हुए बैंगन डाल देते हैं और फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के बैंगन भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, बैंगन फ्राई तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।